सीमा, आप जो ग्रैपलिंग की गेम खेलते हो, ये शौक कैसे पड़ा आपको? ये शौक मुझे मैंने जब मतलब कि प्लस टू यहाँ पंजाब में क्लियर की, तो फिर मैंने मतलब कि यहाँ पे मैंने कॉलेज मतलब कि प्राइवेट है सभी, क्योंकि मैं एक गरीब घर से बिलोंग करती हूँ, तो मैं मेरे पापा इतना खर्चा नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने मतलब कि यहाँ पे सरकारी कॉलेज नहीं है कोई भी, प्राइवेट है, तो इसलिए मैंने मतलब कि हिमाचल में कॉलेज में सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले लिया बीए के लिए, ताकि मेरा खर्चा भी कम हो, और मैं एचआरटीसी का पास बनवा लिया मैंने, कि पास बनवा के मतलब कि महीने का मतलब कि खर्चा कम हो जाता था, कि किराया नहीं देना पड़ता था, तो बस अपनी बस का देना पड़ता था 20 रुपये ऐसे रोज़, तो मतलब कि डेली मतलब कि ऐसे मतलब कि देना नहीं पड़ता था, दूसरी बस का मतलब कि दूर है थोड़ा कॉलेज, पर पास बनवा के मतलब कि कम पड़ जाता था, इतना किराया नहीं पड़ता था मेरे को, तो इसलिए मैंने मतलब कि वहाँ पे एडमिशन ले लिया बीए के लिए, फिर वहाँ से मतलब कि मैंने ये गेम स्टार्ट कर दी खेलना, क्योंकि मुझे शुरू से स्पोर्ट्स में खेलने का बहुत शौक था, कि मैं मतलब कि स्पोर्ट्स में खेलूं, और मतलब कि स्टार्टिंग से बचपन से ड्रीम था कि मैं मतलब कि आर्मी जा किसी भी लाइन में जाऊं, जा पंजाब पुलिस में, मतलब कि बहुत शौक था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं स्पोर्ट्स चुनूंगी तो मेडल वगैरह निकालूंगी, सर्टिफिकेट वगैरह लेके आऊंगी, तो शायद मेरे को सरकार सपोर्ट करे और मुझे मतलब कि आगे मतलब कि और मतलब कि आगे तक लेके जाए, और मुझे मतलब कि हर एक फैसिलिटी वगैरह दे, तो इसलिए मैंने मतलब कि वहाँ पे एडमिशन लिया, तो वहाँ पे एडमिशन लेने के बाद मैंने मतलब कि ये गेम स्टार्ट कर दी, ये गेम मतलब कि जो ग्रैपलिंग गेम है ये जूडो और रेसलिंग मिक्स होती है, और उसे कहते हैं, इसमें मिशन सबमिशन दोनों लगते हैं, इसमें मतलब कि लॉक करते हैं बंदे को, तो इसको मतलब कि इसमें जूडो भी और रेसलिंग इसको मिक्स करके जो ग्रैपलिंग गेम बनाई है, ये साउथ एशियन गेम है जो साउथ में खेली जाती है, तो मतलब कि ये हमारे पंजाब में नहीं थी, मतलब कि हमारे देश में नहीं थी, इंडिया में ये सिर्फ साउथ की गेम है जो साउथ में खेली जाती है, तो फिर ये मतलब कि साउथ ये साउथ वाली गेम हमारी इंडिया में आ गई, तो फिर अब ये गेम मतलब कि इस गेम में मैंने मतलब कि स्टेट खेला, स्टेट में मेडल निकाला, फिर मैंने उसके बाद नेशनल रोहतक में खेला हरियाणा में, वहाँ पे मैंने गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल निकाला, नो मतलब कि ये मतलब कि दो टाइप की होती है, एक मतलब कि जूडो वाली ड्रेस डाल के होती है, उसे हम गी बोलते हैं, गी वाली, और जो मतलब कि शॉर्ट्स वाली होती है तो उसे हम बोलते हैं नोजी, तो नोजी में मैंने ब्रॉन्ज निकाला था और गी में मैंने गोल्ड निकाला था, तो उसके बाद मतलब कि नेशनल के बाद मेरी सिलेक्शन हुई थी इंटरनेशनल में, जो कि मैंने मतलब कि मेरा पासपोर्ट लेट बना, जिसके कारण मतलब कि पासपोर्ट लेट कर बनने के कारण मतलब कि मैं नहीं जा पाई मतलब कि, तो फिर इसलिए मैंने मतलब कि ऐसे मतलब कि फिर प्रैक्टिस करती रही, फिर प्रैक्टिस करने के बाद फिर मैंने मतलब कि अभी फिर जूनियर जूनियर ग्रैपलिंग शिप आई, तो जूनियर में सिर्फ मतलब कि मैं सीनियर हूँ, तो मतलब कि पहले तो जूनियर खेलती थी, मतलब कि अब 21 एज है, तो अभी मेरी मतलब कि सीनियर में खेल सकती हूँ, तो जूनियर में थी तो इसलिए मैंने रेफरीशिप में गई, रेफरीशिप में जाके मतलब कि मैंने जो मतलब कि नेशनल रेफरीशिप की, तो उसमें मैंने ये रेफरीशिप का टेस्ट क्लियर किया, और अब ये इंटरनेशनल रेफरीशिप करूँगी, तो मतलब कि इसी तरह मतलब कि मैं हिमाचल में मतलब कि जा रही हूँ, तो वहाँ में मेरे को थोड़े मतलब कि फैसिलिटीज़ भी है, मतलब कि सरकार साथ भी देती है, और मतलब कि टीचर्स वगैरह सपोर्ट वगैरह करते हैं मेरे को, तो इसलिए मैं थोड़ा मतलब कि वो हौसला वगैरह देते हैं, तो मतलब कि आगे ऐसे बढ़ रही हूँ, तो मतलब कि अपना मतलब कि खुद का खर्चा करने के लिए मैं मतलब कि जो हर एक गाँव में मतलब कि शहर में छोटे छोटे दंगल होते हैं, छोटे छोटे शिंजे होती हैं, मैं हर एक दंगल में जाती हूँ, ताकि मैं अपनी डाइट पूरी कर सकूँ, अपने मतलब कि मम्मी पापा पे डिपेंड ना रहूँ, उनसे खर्चा ना मांगूँ, तो अपना खर्चा कर सकूँ, तो इसलिए मैं ये दंगल वगैरह जाती हूँ, मिट्टी में जो दंगल होते हैं मिट्टी में खेलना, तो फिर मेरे को मतलब कि उससे पैसे मिलते हैं खेलने के बाद, तो फिर मुझे उन पैसों से मैं अपनी डाइट पूरी करती हूँ। क्या पंजाब सरकार की ओर से कोई आपको मिला कुछ फायदा? मुझे मतलब कि पंजाब सरकार ने कोई फ़ायदा नहीं दिया है, कोई कुछ नहीं किया मेरे लिए, तो मतलब कि मैं मतलब कि करना चाहती हूँ पंजाब सरकार के लिए, पर उन्होंने मेरे को कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी, उन्होंने मतलब कि ये नहीं देखा कि इसकी घर के हालात कैसे हैं, तो मतलब कि उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया है, मतलब कि सरकार की बात छोड़ो,
यहाँ के प्रशासन ने भी कुछ नहीं किया हमारे लिए, जो कि मतलब कि एक लड़की है हमारे पूरे पिंड में, तो हमारे पंजाब में, कि उसको मतलब कि थोड़ा सा होना चाहिए कि उसको आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करनी चाहिए। उन्होंने मतलब कि हेल्प किया, उन्होंने कुछ नहीं किया हमारे लिए। सारी गरीब लोगों की लड़की है जी, तो कोई मदद नहीं करते लोग, कोई सरकार नहीं मदद कर रही, आई कितों खर्चा करना होंगे। हाँ जिस तरह देखा कि बच्चा तो हिमाचल तो जी, जरा खेड़ता पाया, हाँ जी, हिमाचल हिमाचल च सरकार फिर ने सरकार मदद फिर की। इतने कर नहीं सकी मदद, तो फिर सरकार फिर उधर ही पढ़ाना है, फिर सारा खर्चा नहीं दौंदा इन्ना, अभी इतने पढ़ाने फिर सके जितने फायदा होगा, भी घट खर्चा होगा अभी इतने पढ़ा सकने हैं, तभी इतने फिर पढ़ाना, इतने फिर सरकारी कोई आई नहीं है, तभी कितने पढ़ाने फिर इन्ना खर्चा हरे को दौंदा नहीं है, इनके पापा जी बीमार होंगे तो कुछ देना खर्चा इन्ना। जिस तरह पंजाब सरकार कहती है कि असी खिडारियों नू जरा हाँ जी उच्चा चुकन वास्ते हाँ असी जी, उन्हां दी मदद करते हैं, मदद तो कोई नहीं करती है इतनी, सरकार ने कोई मदद नहीं की थी। तुहाडा बच्चा अपना खर्चा किस तरह चलांदा फिर, जिस तरह काफी सिंझा वड्डी गेम चलांदी है। है जी, सिंझा जाना उ दंगल खेडने जाइए, तो दंगलें जाइए उ खेडी खुडिए तो अपना खर्चा कर लेना, फिर चल अं माँ प्यो किन्ने के मंगने पैसे भी, अपना खर्चा चल अं आपे तोर लेंगे भी, इन्होंने कमां से बस कुड़ियों भी इन्होंने चल कुछ माड़ी मोटी मेरी नौकरी मिली है, तो सरकार कुछ बस दिखी नहीं भी नौकरी भी देंगे माड़ी मोटी भी, जो हेल्प करिए, वो की नहीं सरकार ने किसी ने।